आपको दिखाते हैं सीधी सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनकी ध्यान साधना 45 घंटे के बाद खत्म हो चुकी है और अब वो संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा के दर्शन करने के लिए निकल रहे हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल से निकल चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद वो संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा दर्शन के निकलेंगे और 45 घंटे की ध्यान साधना के बाद मौन धारण रखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस दौरान पूरी ध्यान साधना के दौरान सिर्फ लिक्विड ही, तरल आहार ही वो लेते रहे और अब संत तिरुवल्लुवर की ये प्रतिमा जो 133 फीट ऊंची है उस प्रतिमा को देखने के लिए वहां वो पहुंच रहे हैं। तो समुद्र के बीच स्थित स्मारक पर पीएम मोदी के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और जो संत तिरुवल्लुवर की मूर्ति है, स्मारक है, वो दो छोटे छोटे टापुओं पर बनाए गए हैं जो समुद्र में अलग अलग और तीर जैसी संरचनाएं हैं। ध्यान साधना प्रधानमंत्री मोदी की पूरी हो चुकी है। 6:45 पर 30 मई 6:45 पर वो ध्यान अवस्था में बैठे, 45 घंटे तक ध्यान साधना में लीन रहे। इससे पहले भगवती अम्मन मंदिर पहुंचकर वहां दर्शन पूजन किया था और अब पूरी हुई है प्रधानमंत्री मोदी की ध्यान साधना। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 3 दिन तक रहे प्रधानमंत्री मोदी, सूर्य को अर्घ दिया, ध्यान मंडपम की परिक्रमा की और अलग अलग तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की सामने आई। 30 मई को यहां पहुंचे थे वो। कांग्रेस हालांकि उनके ध्यान के खिलाफ चुनाव आयोग भी गई थी, शिकायत की थी कांग्रेस ने। यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।